Hello students, now we will start with the question number 6. A corn cob shaped somewhat like a corn. Sabne dekha hai bhutta? Uski shape hai like a corn, has the radius of its broadest end. Jo sabse broadest end hai niche wala. Corn isi shape ka hota hai. To broadest end to ye wala hua. Iska hame radius given hai aur length given hai. Length is case mein, length means kya hai? Height. सिर्फ लेंथ लिखा है, स्लांट हाइट नहीं लिखा है. तो ओनली लेंथ मींस कोन की हाइट गिवन है हमें. इफ ईच 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ सरफेस ऑफ कॉब, अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पोर्शन में एक कॉब में 4 ग्रेन्स है, 4 दाने हैं मक्की के, मेज के, हाउ मेनी ग्रेन्स यू वुड फाइंड ऑन द एंटायर कॉब. तो इस पूरे पोर्शन में कितने ग्रेन्स होंगे ये हमें फाइंड करना है. अब अगर हम देखें ये वाला पोर्शन जो है, जो मैंने इस तरह से कवर किया है, दिस इज द ग्रीन पार्ट, जो आपने उसको छीला ये कह सकते हैं, पील किया उसके पार्ट्स को, आउटर पार्ट को. तो अंदर जो है, अंदर वाला पोर्शन, दिस इज द डैट पोर्शन. नाउ हमें फाइंड करना है कि इस पूरे पोर्शन में कितने नंबर ऑफ ग्रेन्स है. अब अगर हम बात करें, जो ग्रेन्स है वो सिर्फ कर्व्ड पोर्शन में है, जो नीचे वाला सर्कुलर पोर्शन है भुट्टे का, उसमें तो दाने नहीं है, उसमें तो मेज नहीं है. तो इसलिए हम सिर्फ क्या फाइंड करेंगे, दिस कर्व्ड सरफेस एरिया. क्यों कर्व्ड सरफेस एरिया ही फाइंड करेंगे, क्योंकि जो भुट्टा है उसके जो नीचे वाला सर्कुलर पोर्शन है उसमें दाने नहीं है. दाने कौन से पोर्शन में है, कर्व्ड पोर्शन में. तो हम फाइंड करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया. सबसे पहले हमें क्या गिवन है, रेडियस 2.1 सेंटीमीटर, लेंथ मींस हाइट गिवन है 20 सेंटीमीटर. सबसे पहले कोन का क्वेश्चन है, तो हमें फाइंड करना होगा स्लांट हाइट. एल इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. रेडियस इज 2.1, हाइट इज 20, 21 स्क्वायर इज 441. अप्लाई करेंगे डेसिमल प्लस 20 स्क्वायर 404.41. स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, 2 के पेयर्स, 2 2s are 4, मल्टीप्लाई करेंगे इसे 2 से, नेक्स्ट पेयर उतारा, अब 4 के पीछे कुछ भी लगाएंगे 4 से तो बड़ा ही होगा, नेक्स्ट पेयर उतारेंगे, 2 पेयर्स एक साथ उतारे तो 0, यहां पे था डेसिमल. नाउ 20 कट करेंगे 1 4 0 1 4. अगेन हम अगर अपनी तरफ से पेयर लेंगे 0 0, 201 को 2 से किया 402. इसी तरह से जाएगा, तो हमारे पास ये अप्रोक्सीमेटली आएगा सॉल्व करने पे 20.1. अगेन 1 पे जाएगा अगर हम एक पेयर और उतारेंगे तो 20.11. 20.11 सेंटीमीटर. अगर आप चाहो तो इसे मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, अप्रोक्सीमेटली सो 404, 20.1 है तो 4 के बाद 404.41 अप्रोक्सीमेटली यही आ गया. अगर आपको कंफ्यूजन हो, 20.11 सेंटीमीटर. अब हमें फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉर्न कॉब, दैट इज कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल. पाई की कुछ वैल्यू नहीं गिवन है, सो 22/7. रेडियस इज 2.1, स्लांट हाइट हमने फाइंड की 20.11. क्लियर? नाउ 7 3s are 21, 2 3s are 6, सो 66 × 211 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 66. 6 × 1 6 × 1 0, 6 2s are 12, 6 × 1 6 × 1 6 2s are 12. 1 3 2 7 2 6 डिवाइडेड बाय 1000 डेसिमल अप्लाई करेंगे 2.726, सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 132.73 सेंटीमीटर स्क्वायर. 73 क्योंकि ये 5 से ग्रेटर है तो 1 ऐड हो गया. दिस इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन. नाउ हमें क्या कहे, ईच सेंटीमीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कैरीज ग्रेन्स इज इक्वल्स टू 4.
अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 ग्रेन्स है तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने ग्रेन्स होंगे? 132.73 सेंटीमीटर स्क्वायर कैरिज ग्रेन्स इज इक्वल्स टू 4 × 132.73 मल्टीप्लाई करेंगे 132.73 को 4 से 4 × 3 = 12 532 डेसिमल टू डिजिट्स बार सो अप्रोक्सीमेटली 531 ग्रेन्स होंगे इस होल जो है कॉर्न कॉब दोबारा से बता रही हूँ हमें कहा कि एक कॉर्न कॉब है शेप लाइक समवट लाइक अ कोन कोन की तरह ही है जिसका ब्रॉडेस्ट एंड का रेडियस गिवन है और इस कॉर्न की लेंथ गिवन है कॉर्न कॉब की 20 सेंटीमीटर सबसे पहले हमने फाइंड की स्लांट हाइट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर रेडियस इज 21² = 441 डेसिमल अप्लाई किया 20² = 400 इनको स्क्वायर रूट फाइंड किया अब हमें ये कहा है कि अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस में कॉब कैरीज अ एवरेज ऑफ 4 ग्रेन्स तो टोटल इंटायर कॉब में कितने नंबर ऑफ ग्रेन्स होंगे अब हम फाइंड करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया क्यों क्योंकि जो दाने हैं मेज के वो सिर्फ कर्व्ड पोर्शन में होंगे जो बेस है उसमें जो है वो दाने नहीं है मेज के सो इसलिए हमने फाइंड किया कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल फाइंड की कर्व्ड सरफेस एरिया की वैल्यू 132.73 सेंटीमीटर स्क्वायर अब अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कॉर्न कॉब कैरीज ग्रेन्स इज इक्वल टू 4 यहाँ पे आप लिख सकते हो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कॉर्न कॉब कैरीज ग्रेन्स इज इक्वल टू दिस तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर कॉर्न कॉब में कितने ग्रेन्स होंगे अप्रोक्सीमेटली 531 ग्रेन्स नोट करें